अब अकाउंटिंग इन कंसाइनमेंट क्या होती है उसकी बात करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आने पर हमें डिफरेंट डिफरेंट जर्नल एंट्री बनानी होगी और उन्हीं जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर हमारा फाइनली कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, ये सारे अकाउंट हमें बनाने होंगे। जो नेसेसरी जर्नल एंट्री हमें रिक्वायर्ड होगी इसके अंदर, वो आपके नोट्स में मैंने प्रिंट कर दिया, पेज नंबर 28 देखेंगे तो वहाँ पे वो सारी सिचुएशन है जो कि मैं यहाँ पे अब डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें कंसाइनमेंट के लिए स्टार्ट करना है तो गुड्स की जरूरत है। तो सबसे पहली एंट्री है व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट बेसिस एट कॉस्ट। इसमें दो सिचुएशन होगी, एक हम कंसाइनमेंट को जो स्टार्ट करेंगे वो एट कॉस्ट स्टार्ट करेंगे, एक इनवाइस प्राइस, दोनों की बात करेंगे। फिलहाल पहले एट कॉस्ट की बात करते हैं। जब कंसाइनमेंट शुरू होता है तो कंसाइनर कंसाइनी को एक सामान भेजता है, तो सबसे पहले तो मेटेरियल की कॉस्ट, कुछ खर्चे भी उनकी बात बाद में करेंगे। पहले स्टार्ट करने के लिए पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एट कॉस्ट। एक इसमें एट इनवॉइस प्राइस भी होगा और एक एट कॉस्ट, दो सिचुएशन इसके अंदर दिए। सबसे पहले अगर हमने सामान भेजा तो ये सारा का सारा सामान चल पड़ा है कंसाइनमेंट में। अब एक चीज मैं बता दूं, कंसाइनमेंट अकाउंट हम जितने कंसाइनमेंट होते हैं उन सबके लिए सेपरेट मेंटेन करते हैं। सोचो हमने एक अपना लोकेशन है हमारी डेली, अब हम अपना सामान अलग अलग लोकेशन पे भेजना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। हमने डिसाइड किया भाई हम आगरा में सामान बेचेंगे, ये बिल्कुल वैसे जैसे ब्रांच के अंदर होता है। हमने फैसला किया कि भाई हम आगरा के साथ साथ जयपुर में भी सामान बेचेंगे, हमने डिसाइड किया हम मुंबई में भी सामान बेचेंगे। तो आपको हर कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट आ रहा है ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई आगरा से कितना आ रहा है, जयपुर से कितना आ रहा है और मुंबई से कितना आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट भेजेंगे, आगरा का अलग, जयपुर का अलग और मुंबई का अलग, और जो भी खर्चे उस कंसाइनमेंट से बिलोंग करते हैं सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे यहां पर। लेकिन हम नॉर्मल ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फॉलो नहीं करते, जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि इसके अंदर हमें अलग से प्रॉफिट होता है उसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। हम कॉमन अकाउंटिंग नहीं बल्कि उसके लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिमिटेड पर्पस अकाउंटिंग वो करते हैं। क्या होती है लिमिटेड पर्पस अकाउंटिंग, हम आगरा के लिए एक डेडिकेटेड कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और जो भी खर्चा इसके कंसाइनमेंट से बिलोंग करेगा अलग से बनाएंगे इसका भी कंसाइनमेंट अकाउंट, कौन सा, आगरा कंसाइनमेंट अकाउंट। और इस कंसाइनमेंट के ऊपर जितना भी खर्चा और जितनी भी इनकम आगरा वाले हमें देंगे वो सब यहां पे अकाउंट कर देंगे। तो जो गुड्स सेंड करेंगे वो भी यहां पे खर्चा होगा, खर्चे तो सारे डेबिट होते हैं, उसके कंसाइनर के खर्चे होंगे वो भी डेबिट हो जाएंगे, कंसाइनी के खर्चे भी डेबिट हो जाएंगे, कंसाइनी का कमीशन भी डेबिट हो जाएगा। सारे के सारे खर्चे एक जगह जब तक नहीं होंगे तब तक इस कंसाइनमेंट का इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं निकाला जा सकता। और सिर्फ इसी कंसाइनमेंट से आने वाली सेल्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगर क्लोजिंग स्टॉक बचा आप लोग फाइनल अकाउंट कर चुके हैं, फाइनल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, तो जो क्लोजिंग स्टॉक का वो क्रेडिट करके एक तरह से फाइनल अकाउंट बना लेंगे हम। और यहां से क्या पता चल जाएगा हमें, इस कंसाइनमेंट का नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। इसलिए जो भी सामान आप इस कंसाइनमेंट भेजेंगे उसके लिए इंडिविजुअल कंसाइनमेंट अकाउंट ही आपको यूज करना है, क्योंकि हमारे अलग अलग कंसाइनमेंट चल रहे होंगे। तो आपने जो भी सामान भेजा बताओ आपकी लागत है या नहीं, तो आप क्या करेंगे उस सारी की सारी लागत को कौन से अकाउंट में, एक नया कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे जो भी आपकी लोकेशन होगी उसके हिसाब से, और उसमें उसे खर्चे की तरह दिखा देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, हमने कहा जी नया कंसाइनमेंट अकाउंट बना देते हैं, तो एंट्री होनी चाहिए क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या भेज रहे हैं हम वहां पे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहां पर एट कॉस्ट की बात हुई है तो आप एट कॉस्ट अमाउंट लिखेंगे, बट समटाइम हम ये सामान कॉस्ट के ऊपर नहीं बल्कि कौन से प्राइस पे भेजते हैं, इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस क्या होता है, इनवाइस प्राइस वो प्राइस होता है जिसके ऊपर हम उसे सेल करना चाहते हैं। ऐसा कई बार होता है कि सामान की लागत होती है 100 रुपए की, और ध्यान रखना सामान भेजने का मतलब वो बिका नहीं है, सामान भेजने का मतलब वो बिका नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि इसे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, रुपीज 150 में। ये है हमारी कॉस्ट और ये है हमारी इनवाइस प्राइस। तो पहला तरीका जो है वो है किस बेसिस पे हमने भेजा, उसे एट कॉस्ट। एट कॉस्ट माने उसे किस रेट पे दिखाएंगे, यहां पे एग्जांपल के हिसाब से चलूं तो 100 रुपए के अंदर दिखाएंगे, 100 रुपए की चीज है, जब तक बिक नहीं जाता तब तक इसे हम सेलिंग प्राइस पे थोड़ी दिखा सकते हैं, जब बिक जाएगा तो हम सेल प्राइस पे दिखाएंगे। इनवाइस प्राइस फिलहाल आप मान लीजिए सेल प्राइस है, इनवाइस जिस प्राइस का बनेगा वो प्राइस, और इनवाइस तो सेल प्राइस का बनेगा, क्लियर है। तो ये है हमारी कॉस्ट,
हमें एंट्री कितने की करनी चाहिए 100 की, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम इसको इनवाइस प्राइस पे शो करते हैं। वैसे ध्यान रखना इनवाइस प्राइस पे शो करना तो सही बात नहीं है, क्योंकि ये इनवाइस प्राइस पे कब जाना चाहिए, जब सेल हो जाए, अभी तो सेल हुआ नहीं, बट हम कई बार इसे इनवाइस प्राइस पे दिखाते हैं। इसका कारण जो ये है वो ये होता है कि हम अपने जो डिटेल्स हम जो फिल करते हैं उसके अंदर हर बार हम अपनी कॉस्ट को लीक नहीं करना चाहते, हम बताना नहीं चाहते कि इसकी रियलिटी में लागत क्या है। जब आप अकाउंटिंग करते हैं एट कॉस्ट, बिल जनरेट करते हैं एट कॉस्ट, तो दूसरे वाले पर्सन को पता चलता है कि वो सामान कितने का है, और कल को लोगों के मन में भावना जगती है ये 100 रुपए का सामान 150 का बिकता है, हम भी कुछ कॉम्पिटिशन में करें, हम भी कुछ काम कर लें। आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो कॉस्ट की है उसको छुपा के रखना चाहते हैं, इसलिए जो बिल जनरेट करते हैं, जो सामान का डिस्पैच निकलता है, वो 100 रुपए के रेट पे नहीं निकालते, बल्कि कितने का निकालते हैं, 150 का। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट की बजाय क्या कर सकते हैं, कौन से प्राइस पे भी शो कर सकते हैं, एट इनवाइस प्राइस भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना अगर इनवाइस प्राइस हो गया तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रियलिटी में इनवाइस प्राइस लिखने से ये सेल तो नहीं हो जाएगी। तब मैं यहां पे 100 की बजाय से कितने पे दिखाऊंगा, 150 पे दिखा दूंगा, 150 पे दिखा। लेकिन ये असलियत मुझे तो पता है, दुनिया को पता हो या ना पता हो, मुझे तो पता है ये सामान 100 का है, 150 का नहीं है, लेकिन मैंने शो क्या कर दिया उसको कि 150 का, मैं बताना नहीं चाहता कितने का। क्लियर बात समझ आ रही है? तो जब भी आप इसे इनवाइस प्राइस पे दिखाओगे तब आपको इंटरनली एक एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसको जितना बढ़ा के आपने दिखाया उतना आपको हटाना पड़ेगा। और अकाउंट्स में हटाने का मतलब ये नहीं बाद में फ्लूट लगा के इसकी फिगर बदल देंगे कि भैया पहले 150 लिख दे बाद में मिटा के इसको 100 कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आपने जितना भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया उसकी बाद में क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहली सिचुएशन में जब व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और एट कॉस्ट बेसिस, तो आपने सिर्फ एक एंट्री किया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जिसमें कॉस्ट अमाउंट लिखा है, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन अगर इनवाइस प्राइस पे चेक करोगे तब भी आपका B.1 भी ये लिखा है व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एट इनवाइस प्राइस, एंट्री सेम है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन वैल्यू में फर्क हो गया, 100 के बजाय कितना कर दिया हमने 150। इस सिचुएशन में जब 150 दिखाएंगे आपको क्या करनी पड़ेगी, जितना बढ़ा के देखा है उसकी एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, तब इसके अंदर इसका एक बी पार्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बी पार्ट सिर्फ कब क्रिएट होगा, जब इनवाइस प्राइस होगा, वरना बी पार्ट क्रिएट नहीं होगा। क्या करेंगे हम इसको रिवर्स करेंगे, कितना रिवर्स करेंगे, जितना फालतू है, और एंट्री क्या बन जाएगी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। और ये एंट्री कितने से होनी चाहिए, ये एंट्री फिलहाल फर्स्ट केस में तो होगी नहीं, सेकंड केस में होगी, और सेकंड केस में कितने की होगी, ₹50 की, जो स्टार मार्क लगाया है उसके कारण होगी, क्योंकि ये सामान था 100 रुपए का और दिखाया कितना गया 150। तो चेक करोगे इसमें दूसरी एंट्री एकदम रिवर्स है, रिवर्स होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोटिस करना कि यहां पे जब ये एंट्री की गई है तो कंसाइनी इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं करेगा। कंसाइनी क्यों करेगा, कंसाइनी किस लिए अपने इसको ज्वाइन किया, बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए किया है या कमीशन कमाने के लिए, कमीशन। तो बात जब कमीशन की होगी तब वो बात शुरू करेगा। अब ये सारी लागत किसकी है, अब ये सारी कंसाइनर की कॉस्ट है, इसे कंसाइनर तो हर चीज का हिसाब लिखेगा, लेकिन कंसाइनी सिर्फ तभी हिसाब रखना शुरू करेगा जब वो पिक्चर में आएगा, वो सारी दुनिया जहां का हिसाब नहीं रखेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कंसाइनर तो एंट्री करता है लेकिन कंसाइनी उसकी कोई भी एंट्री नहीं करेगा। अब दूसरी सिचुएशन इसके अंदर है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर, जब इस कंसाइनमेंट में खर्चा होगा और इसकी पेमेंट कौन करेगा, कंसाइनर करेगा, कंसाइनर को तो करना पड़ेगा, उसके ऊपर लोडिंग उसे करानी है, पैकिंग उसको करानी है, फ्रेट देना है, ड्यूटी देना है, टैक्स देना है, काफी कुछ देना पड़ेगा, तभी तो पहुंचेगा कंसाइनी तक। इसने जो भी खर्चा किया इसी कंसाइनमेंट के ना, तो फिर से किसको डेबिट करेगा, सेम कंसाइनमेंट अकाउंट को, अलग अलग अकाउंट खोल देगा तो बाद में पता ही नहीं चलेगा इस कंसाइनमेंट पे कितना खर्चा हुआ। तो इस कंसाइनमेंट पे होने वाला सारा खर्चा डायरेक्ट किसमें डाला जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी इसकी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और बताइए एजेंट को इससे कोई वास्ता है क्या, एजेंट इसका मतलब इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेगा, तुम्हारा बिजनेस तुम एंट्री करो, जब मेरा खर्चा होगा तो मैं एंट्री करना शुरू करूंगा क्योंकि मुझे रीइंबर्समेंट लेना है, जब तक इसका खर्चा तब तक वो एंट्री नहीं करेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद तीसरी सिचुएशन, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी, अब कंसाइनर की पॉकेट से पैसा निकला,
और जब पैसा निकला तो बिल्कुल दर्ज कर देगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि बाद में उसको उसकी क्या चाहिए, रिइंबर्समेंट चाहिए। वो कहेगा खर्चा हो गया मेरा, तुम ही दोगे उसके पैसे, मैं काट लूंगा नहीं तो। तो इसका मतलब अगर खर्चा हो गया तब ये एंट्री करेगा, जब तक इसका खर्चा नहीं होगा तब तक वो एंट्री नहीं करेगा। और उसके पैसों को वो किससे वसूल करेगा, कंसाइनर से वसूल करेगा, इसे अपना खर्चा नहीं मानेगा। जब खर्चा होता तो मैं एक्सपेंस को डेबिट करते, ये करेगा नहीं एक्सपेंस को डेबिट, ये कहेगा इसकी पैसे की वसूली करूंगा मैं, किससे करूंगा वसूली, कंसाइनर से। तो ये जिससे वसूल करेगा उसको अपना असेट या डेटर बनाएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी इसके एक्सपेंस होंगे उनके लिए वो उस कंसाइनर को रिस्पॉन्स बनाएगा, अपना खर्चा नहीं मानेगा। तो डेबिट करने का मतलब क्या है, इससे पैसे लेने, क्लियर बस में आ गई है। अच्छा ये क्या एंट्री करेगा, ये इससे पैसे मांग रहा है तो मतलब खर्चा तो हो गया, चाहे ये अपनी जेब से खर्चा करे, इसके बिहाफे कोई और खर्चा करे, नुकसान तो इसी को झेलना पड़ेगा, इसलिए उसके खर्चों को भी वो अपनी खर्चा मानेगा। और कौन से अकाउंट को फिर डेबिट करेगा, वो डेबिट करेगा फिर से कंसाइनमेंट अकाउंट। और क्रेडिट किसको करेगा, जिसने इसकी पेमेंट की है, और जो पैसे वापस लेगा इससे, कौन लेगा उससे पैसे, कंसाइनी। खुद का पैसा नहीं लगा लेकिन किसी को पैसे तो देने पड़ेंगे, किसको पैसे देने पड़ेंगे, उसको कंसाइनी को पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर इतनी बात। अच्छा फिर इसमें एक और सिचुएशन है, गुड्स रिटर्न। कभी कभी जो कंसाइनर ने सामान भेजा होता है वो डिफेक्टिव होता है, बिक नहीं रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसे सिचुएशन में कंसाइनी कहता है जी तुम्हारा माल तो बिक नहीं रहा, वापस वापस भेज रहा हूं। और वापस भेजेगा तो फिर इसको पैसा, इसको गुड्स वापस मिलेगा, ये एंट्री क्या करेगा। फोर्थ सिचुएशन हमारी है, यहां पे कर देते हैं वो फोर्थ सिचुएशन, जब गुड्स रिटर्न हो जाता है, व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। कभी कभी माल वापस भी लेना पड़ता है। पहली बात, हमने सामान एट कॉस्ट भेजा या इनवाइस प्राइस भेजा, इसके ऊपर जनरल एंट्री डिपेंड करती है। और जो तुमने सामान भेजने की एंट्री की थी, ये एंट्री की थी ना, सामान भेजने की एंट्री, अगर सामान वापस आ जाए तो क्या करना, इसी एंट्री को उल्टा कर देना। सामान भेजने की एंट्री होती है, जो रिवर्स, जो वापस की एंट्री हो, क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नए अकाउंट हम कम से कम बनाते हैं, हम एक ही अकाउंट को जहां तक एडजस्ट कर सकते हैं वहां तक एडजस्ट करते हैं, क्या कर लेंगे, इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए, हमारी एंट्री होनी चाहिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और हम कौन से रेट पे एंट्री करेंगे, ₹100 ही एंट्री करेंगे। बट समझ गए होगे आप, जरूरी नहीं हमने ₹100 की एंट्री देकर सामान भेजा हुआ था, हो सकता है हमने उसको इनवाइस प्राइस पे भेजा हो। अगर इनवाइस प्राइस पे भेजा तो 100 की बजाय आपने कितना लिखा होगा, 150, और 150 हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सामान जब तक बिका नहीं तब तक हमें हक नहीं बनता इसको 150 पे दिखाने का। तो अगर 100 में दिखाया तब तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर 150 में बताया लिखाया आपने तो फिर इसका भी रिवर्स इफेक्ट लेना पड़ेगा। और इसका रिवर्स इफेक्ट लूं तो बताओ कौन सी एंट्री निकलेगी इसके अंदर, इसकी एंट्री निकलेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और ये सिर्फ तब एंट्री करनी पड़ेगी जब आपने उसको इनवाइस प्राइस पे दिखाया होगा, वरना एंट्री करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ये कौन करेगा एंट्री, जिसका सामान है, एजेंट का तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है। एजेंट तो बस जब अपना खर्चा लगेगा तब एंट्री करता है, वरना वो एंट्री नहीं करता। जिसका प्रॉफिट लॉस होगा वो कैलकुलेट करेगा सारा कुछ। क्लियर बात समझ आ रही है। और अगली सिचुएशन इसके बाद क्या है, व्हेन गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब उसके बाद कंसाइनी को, भैया देखो हमने कंसाइनर ने खर्चा कर दिया, कंसाइनी का भी खर्चा हो गया, भाई सामान जो खराब था वो वापस आ गया, लेकिन जो सामान उसके पास है वो तो कम से कम बेचना चाहिए उसे। तो अगली सिचुएशन फिफ्थ सिचुएशन है, व्हेन गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। जब सामान बेचेगा, और बेचेगा इसमें कंसाइनी, कंसाइनर थोड़ी बेचेगा, एजेंट क्यों बनाया उसने, खुद ही अगर उसे बेचना तो अपना जो सामान है अपनी दुकान में वो बेच रहा है। अब यहाँ पे सारा सामान किसको बेचना होगा, कंसाइनी को। जब कंसाइनी सामान बेचेगा ध्यान रखना उसके पास पैसा आने वाला है, लेकिन ये पैसा उसका नहीं है, ये सारा पैसा किसका है, ये सारा पैसा कंसाइनर का है। कैश तो वो जरूर लेगा, कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट,
अगर कुछ उधार माल भी बिका और ध्यान रखना उधार माल वो सिर्फ किसकी परमिशन से बेच सकता है जो इसका मालिक है बिना कंसाइनर की परमिशन के उसे उधार माल बेचना भी अलाउड नहीं है तो अगर उधार माल बिका तो डेटर भी क्रिएट होंगे वो इसके डेटर थोड़ी कहलाएंगे किसके डेटर क्रिएट हो रहे हैं कंसाइनर के मालिक का ही होगा जो भी कुछ होगा इसमें तो कंसाइनर के डेटर क्रिएट हो सकते हैं कंसाइनर्स डेटर टू ये अपनी सेल थोड़ी मानेगा हमारा माल थोड़ी बिका है बोलेगा क्या बोलेगा किसका माल बिका कंसाइनर का माल बिका इसलिए सारे पैसे को डालेगा किसके अकाउंट में कंसाइनर्स का अकाउंट और ये लायबिलिटी है और ये उसकी एसेट है इतने पैसे काटने का फौरन उसे अधिकार मिल गया इसमें से वो ये पैसे काट सकता है वो क्रेडिट है ये डेबिट है अपोजिट है तो कट जाएगा और ये भी बड़ा खुश होगा कि सामान बिक गया तो कमाई होगी अभी तक खर्चा ही खर्चा हो रहा था लेकिन इस कमाई इस तक पहुंची नहीं अभी किसके पास है ये सारा पैसा कंसाइनी तो किसको डेबिट करेगा अभी पैसा जिससे लेना है कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू इनकम होगी इनकम तो किसी भी नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है यहां पे वो नॉमिनल अकाउंट कौन सा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट होगा जिसमें उसे क्रेडिट करेगा कौन सी वैल्यू लिखेगा जो भी सेल अमाउंट हो चुका है चाहे नगद भी क्या है चाहे उधार भी क्या है वो सेल की वैल्यू से एंट्री कर देगा और इस सेल के ऊपर एजेंट का क्या बन जाएगा कमीशन जो कि इसके अंदर अगली एंट्री होगी व्हेन कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी जब सामान बिक गया तो उसे क्या कहेगा भैया अब तेरे को कमीशन मिलेगा जो भी सेल हुई व्हेन कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी जब हम कमीशन अलाउ करेंगे तो क्या होगा पहली बात इसके लिए प्रॉफिट है इसके लिए नुकसान है इसको देना पड़ेगा उसको मिलेगा तो जब नुकसान हो गया तो फिर से किसको डेबिट करेगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट और किसको देना है ये उसे कंसाइनी को देना नहीं पड़ेगा वो काट ही लेगा लेकिन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इतना पैसा तेरा हो जाएगा ये क्या करेगा ये कहेगा मैं वसूल लूंगा किससे वसूलेगा ये कंसाइनर से वसूलेगा कंसाइनर कैश नहीं लेगा उसे कंसाइनर से वसूलेगा और इसे डालेगा अपने कमीशन के अकाउंट में यही तो इसका मेन पर्पस है जिसके लिए उसने बिजनेस के अंदर सपोर्ट दिया तो ये उसको यहाँ पे सिर्फ कमीशन से प्रॉफिट होगा इससे तो कमीशन इसको तो प्रॉफिट अभी निकालना पड़ेगा अभी इसका प्रॉफिट अभी तो रेमिटेंस भी लेगा ये उससे पैसे भी वसूलेगा अगली एंट्री अगर देखो तो वही है इसमें सेवंथ एंट्री किस चीज़ की जब हमें वहाँ से रेमिटेंस मिलेगी कमीशन कार्ड अपने ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कार्ड जो तूने खर्च किए थे और सेल के बाकी पैसे रिटर्न कर जिसे लिखा है व्हेन एनी रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी एनी रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी जब मैं कंसाइनी से किसी भी किस्म की रेमिटेंस किसी भी किस्म की मनी कलेक्ट होगी कई बार तो ये मनी एडवांस में भी ले ली जाती है भैया तुझे 50,000 रुपए का सामान दिया कम से कम 20,000 रुपए तो एडवांस में दे दे कुछ हमारे भी भरोसा रहे सामान बिकने के बाद वो पैसे काट ले, लेकिन कुछ पैसा एडवांस दे दे कई बार हम उसकी जमानत के ऊपर उससे एडवांस भी पैसा मांग लेते और उसको भी कोई नुकसान नहीं 50 रुपए का सामान लेकर 20,000 रुपए का एडवांस देना कोई नुकसान वाली बात नहीं पैसा तो वो बाद में काट ही लेगा तो रेमिटेंस सेल से पहले भी हो सकती है और सेल के बाद भी हो सकती है अगर कभी भी हो इसे तो कैश मिलेगा या तो बैंक मिलेगा या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलेगा बिल्स रिसीवेबल ठीक है इनमें से कुछ भी मिल सकता है कहां से कौन देगा ये सब कंसाइनी को देना होगा और वो क्या एंट्री करेगा इसकी वो कहेगा मैंने कंसाइनर को दिया क्या दिया कैश दे सकता है चेक दे सकता है और बिल्स पेबल दे सकता है इसके लिए बीआर उसके लिए क्या बन जाता है बीपी बन जाता है क्लियर है नेक्स्ट सिचुएशन इसमें है फॉर एनी काइंड ऑफ नॉर्मल लॉस इस सिचुएशन के लिए यहां पे कोई भी एंट्री नहीं लिखी गई है मैं फ्यूचर में डिटेल में समझाऊंगा कि इसकी क्यों कोई एंट्री नहीं होती है लेकिन अगर किसी भी किस्म का नॉर्मल लॉस होता है तो ना कंसाइनर की कोई एंट्री करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में ना ही कंसाइनी तो मैं इसे ड्रॉप करूं लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है 8th सिचुएशन जिसमें लिखा हुआ है फॉर एनी काइंड ऑफ नॉर्मल लॉस फिर इसमें सीधा 9th सिचुएशन दी हुई है 9th सिचुएशन में एबनॉर्मल लॉस कुछ वहां पे आग लग जाए चोरी हो जाए स्पॉयलेज हो जाए नुकसान और भी वजह से हो सकता है तो दूसरी सिचुएशन है उसकी बात कर लेते हैं जो कि है फॉर एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया कोई एक्सीडेंटल लॉस हो गया पहली बात नुकसान अगर हो गया तो किसका नुकसान होगा एजेंट का नुकसान होगा एजेंट का क्या नुकसान वो तो मालिक है ही नहीं वो तो सामान बिकने के बाद पैसे भेजने वाला था और चोरी हो गया तो तुम्हारा पैसा गया बिकेगा नहीं तो पैसा अपनी जेब से वो देगा नहीं तो पहली बात समझ लेना अच्छी तरह से अगर नुकसान हुआ तो नुकसान उसका नहीं होगा एजेंट का नहीं होगा सारा नुकसान किसका होगा जो कंसाइनर था
कंसाइनर को नुकसान होगा, और नुकसान हो गया तो फिर से किसको क्या करेगा वो? वो इस पहली बात बता दूं मैं, ये जितने भी अब नॉर्मल लॉस होते ना वो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। किसी भी घटना से हमारा अब नॉर्मल लॉस हो जाए उसे हम उस इवेंट का लॉस नहीं बल्कि कहां पे ट्रांसफर करते हैं? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर हमारा अब नॉर्मल लॉस हो गया तो हम जितना भी नुकसान हुआ उसका बर्डन कंसाइनमेंट में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये एक बैड लक नुकसान है। अगर कंसाइनमेंट डाला आपने, सोचो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कंसाइनमेंट में मैं कहता हूं कि आपने नुकसान को डाला, नुकसान जो हो गया उसे कंसाइनमेंट डाल दिया और फाइनल रिजल्ट कंसाइनमेंट में दिखाया, नेट लॉस हो गया। जस्ट एन एग्जांपल मैं बोलता हूं कि इसे हमने एक कंसाइनमेंट भेजा था जिसमें हमने 1,00,000 का खर्चा किया था और हमारी इसके अंदर जो सेल हो गई है वो 90,000 रुपए की सेल हो गई है अभी तक। सामान का खर्चा कितना है? 1,00,000। सेल कितनी की हो गई है? 90,000। और हमारा 50,000 रुपए का स्टॉक भी अभी बचा हुआ है, सारा माल बिका नहीं अभी। बताइए कंसाइनमेंट बढ़िया चल रहा है या घटिया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, क्योंकि 1,00,000 का माल भेजा था, 90 का तो बिक गया और अभी 50,000 का स्टॉक बचा है, फ्यूचर में ये भी बिकेगा, जब बिकेगा तो ये भी कैश बन जाएगा। और अभी फिलहाल के हिसाब से देखें तो आपका सामान 1,40,000 वैल्यू पे पहुंच गया, जो 1,00,000 का सामान था ना उससे आपको कलेक्शन कितनी हो रही है? 90 की सेल अभी 90 की हुई है, लेकिन ये जो 50,000 पे ये भी आपका स्टॉक है तो टोटल कितना हो गया? 1,40,000। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आ जाएगा? डिफरेंस आप निकालोगे, ये प्रॉफिट हो गया, ये आपकी कॉस्ट है, ये सेल है और ये क्लोजिंग स्टॉक है। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 40,000। ये काम करने में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा बैड लक, किसी वजह से फैक्ट्री के अंदर या उसके शोरूम के अंदर आग लग गई, और सिर्फ उसके नहीं और 4-6-10 दुकानें जल गई। ये नहीं कि अनियम बोले कि उसने चोरी कर ली या उसकी नीयत खराब थी, सिर्फ उसकी नहीं बल्कि मार्केट में आग लग गई और तुम्हारा ये नुकसान हो गया। अब तुम्हारा स्टॉक बिल्कुल गायब हो गया, हो गया गायब। अब असर क्या पड़ेगा? अब तुम टोटल करने लगोगे तो कहोगे कि लागत तो हमारी आई 1,00,000 और सेल से हमें कितनी कलेक्शन हुई? 90,000। इसका मतलब 10,000 पे हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। बोलो हो गया लॉस? नहीं हो गया। अगले साल ये कंसाइनमेंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे तो नुकसान होता है। अगले साल वहां पे सामान भेजेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे नुकसान होता है। बोलो ये आपका अंदाज़, मतलब आपका कंक्लूजन ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा कि ये कंसाइनमेंट नहीं भेजेंगे, वहां पे नुकसान था, लेकिन ये तो बैड लक था भाई। कंसाइनमेंट आपका बढ़िया चल रहा था तो बैड लक था, आपका नुकसान हो गया जिसकी वजह से नेट लॉस आ गया, अदरवाइज ये लॉस नहीं आता, वरना क्या आता? प्रॉफिट। तो हम बैड लक का इंपैक्ट अपने कंसाइनमेंट में नहीं डालते, हम कहते हैं नुकसान हो गया से पीएनएल में शिफ्ट करो, कंसाइनमेंट से निकाल के उसे कहां पे शिफ्ट कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे कि कंसाइनमेंट अपनी जेन्युइन इनकम बता सके और हम डिसाइड कर सके फ्यूचर में कंसाइनमेंट कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो आप ऐप से क्या करेंगे? आपको अच्छा 40,000 का सामान डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो हम 40,000 का सामान ठीक है क्लोजिंग स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, 50,000 माना था, 50,000 का यहां पे इसे क्लोजिंग स्टॉक मानने वाले से क्लोजिंग स्टॉक ना मान के क्या मानेंगे? अबनॉर्मल लॉस के नाम से लिख देंगे, जिससे आपका कंसाइनमेंट फिर से क्या शो करेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा था, वो तो लॉस हो गया, बाद में कहां पे शिफ्ट कर देंगे इसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नतीजा क्या होगा? आप क्या करेंगे? अबनॉर्मल लॉस का अकाउंट डेबिट करेंगे और किसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर ध्यान से देखें तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? कंसाइनमेंट की क्रेडिट से में क्लोजिंग स्टॉक का नाम हटके उसके लिए किसका नाम आ जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। और आपका कंसाइनमेंट अकाउंट फिर से क्या दिखाएगा कि आपको क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, असलियत में हुआ नहीं है प्रॉफिट, असलियत में नुकसान हुआ है, लेकिन कंसाइनमेंट इंटरनली प्रॉफिट कमा रहा था ये हमें पता चल रहा है। उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक का रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसलिए अजीब सा लग सकता है, लॉस हो गया तो कंसाइनमेंट की इनकम साइड में दिखाया हमने, रीजन ये कि हम इसे पीएनएल की डेबिट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इसकी एंट्री यहां पे लिखी है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, उधर इसको कोई वास्ता नहीं है। एक इसमें गुड न्यूज और मिल सकती है आपको, हो सकता है आपने बीमा कराया हो, बीमा कराया होगा तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना जहां नुकसान भेजा है वहां पे भरपाई होगी, कंसाइनमेंट में इसका कोई भी क्लेम का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पे तो 50,000 की एंट्री हो गई है, अगर मैं कहता हूं हमारा 30,000 का क्लेम एडमिट हो गया तो जहां पीएनएल में आपने इसे शिफ्ट किया है वहां पे आप 30,000 पे नुकसान कम कर देना। तो इसकी सेकंड पार्ट की एंट्री क्या हो सकती है? वो एंट्री हो जाएगी हमारी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे टू एबनॉर्मल लॉस या फिर इंश्योरेंस क्लेम, जितनी वसूली हो जाएगी उतना हम अबनॉर्मल लॉस के अंदर इफेक्ट कम कर देंगे, लेकिन कंसाइनमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉस का भी और उसके इंश्योरेंस क्लेम का भी, और इन दोनों ही सिचुएशन में एजेंट अपने पास कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेगा। क्लियर है बात?
नेक्स्ट उसके बाद फिर आखिरी सिचुएशन है, मैं यहां पे लिख देता हूं 10th सिचुएशन, वो है फाइनली जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट डिफरेंस शो करेगा, वो जो डिफरेंस होगा वही हमारा या तो नेट प्रॉफिट होगा और या वो नेट लॉस होगा। तो फाइनल एंट्रीज में दोनों लिखी है, कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हो गया तब भी और लॉस हो गया तब भी। इफ कंसाइनमेंट अकाउंट शोज लॉस, शोज पहले प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट शो करता है तो क्या होगा, इस कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को हम अपना बिजनेस का प्रॉफिट मानेंगे क्योंकि हमने अपना बिजनेस ही तो फैलाया था। तो इस कंसाइनमेंट में जो प्रॉफिट होगा वो तब निकलेगा जब क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा और डेबिट साइड से हम शिफ्ट करेंगे कंसाइनमेंट को डेबिट करके कहां पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे और रिवर्स एंट्री इन केस ऑफ लॉस। अच्छा, एजेंट क्या करेगा इसकी एंट्री, एजेंट को कोई वास्ता नहीं है क्योंकि इसको तो कमीशन से वास्ता था और किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है। प्रॉफिट की लॉस की दोनों एंट्री आपके नोट्स में मैंने प्रिंट कर दिया, इतनी इसमें अकाउंटिंग होनी है, अब उसके बाद बाकी की बात करेंगे।